बालों को तेजी से बढ़ाने के घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और नए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। महिलाओं और लड़कियों को अपने बालों के प्रति बहुत ही लगाव होता है। छोटे बालों को लंबा करने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं। कभी बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथते हैं, तो कभी पार्लर के महंगे महंगे पैकेज पर जेब खाली करते हैं, मगर इसके बाद भी बालों के लंबे होने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर हम आपसे कहें कि अब आप बिना ये सब किए ही खुद घर पर ही अपने बालों को लंबा कर सकती हैं, वो भी कुछ महीनों में, तो क्या आप विश्वास करेंगी? जी हाँ, ये सच है। आपके घर पर ही ऐसे कई उपाय मौजूद हैं जिनकी वजह से महीने भर में आप अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकती हैं। कुछ लोग बाल की ग्रोथ और इनके झड़ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक से भी सलाह लेते हैं। डॉक्टरी परामर्श के अलावा आप कुछ घरेलू उपायों से भी अपने बालों की देखभाल कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपके किचन में ही मिलने वाली वे चीज़ें आपके बालों के लिए कितनी ज़रूरी हैं। ये बात आप जान पाएंगे जब आप अपने बालों को लंबा होता देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। पहला उपाय, बालों को तेजी से बढ़ाने में उपयोगी अदरक। अदरक आपके सर में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। इसके परिणाम स्वरूप सर और बालों का स्वास्थ्य अनुकूलित होता है और बालों का तेजी से विकास होता है। इसके लिए सबसे पहले आप अदरक को छिलकर कद्दूकस कर लें और इसे अपने स्कैल्प पर उन क्षेत्रों पर लगाएं जहां बालों का विकास कम होता है। इसे 30 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दें। अपने बालों को हमेशा की तरह साफ पानी से धो लें। तेजी से बाल बढ़ाने के लिए इसे सप्ताह में 2 बार आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, बादाम का तेल और केला। बादाम का तेल और केला दोनों ही बालों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। आप दोनों को मिलाकर हेयर मास्क तैयार कर सकती हैं। इस मिश्रण को आप अपने घर पर ही तैयार कर सकती हैं, जो कि आपके बालों को घने और मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। यह एक बहुत ही आसान विधि है। इसमें आप एक पका हुआ केला लें और 15 मिलीलीटर बादाम का तेल लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिलाएँ। फिर इस हेयर मास्क को बालों में लगाकर आधे घंटे तक के लिए लगा रहने दें। आधे घंटे बाद बालों को हर्बल शैम्पू से धो लें। यह हेयर मास्क आपके बालों को पोषण देने के साथ साथ चमकदार भी बनाएगा। तीसरा उपाय, अंडा मास्क भी बाल बढ़ाने में मदद करता है। यदि आपके कंधे तक आने से पहले आपके बाल टूट जा रहे हैं तो अंडे का मास्क आपका उद्धारकर्ता हो सकता है। अंडों में लेसिटेट और प्रोटीन होते हैं जो आपके बालों को मजबूत करते हैं, पोषण करते हैं और चंगा भी करते हैं। इसके अलावा उनका उच्च सल्फर सामग्री आपके रूसी की समस्या को हटाने में भी मदद करती है। अंडा मास्क बनाने के लिए 2 अंडे को 2 चम्मच ऑलिव के तेल के साथ मिलाएं। आप मिश्रण को पतला करने के लिए इसमें 1/2 कप पानी भी डाल सकती हैं। अंडा मास्क सीधे सूखे ब्रश किए हुए बाल पर लगाएँ और इसे 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर बालों को शैम्पू से धो लें। मजबूत बाल पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकती हैं। चौथा उपाय, कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल का तेल सर्दी के मौसम में घुंघराले बालों के लिए एक खास और कारगर उपाय माना जाता है। यह आपके बालों को चमकदार, घने, मजबूत और लंबे बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, फैटी एसिड और ओमेगा 3 होने से यह प्राकृतिक रूप से बालों को बढ़ाता है। यह तेल बहुत ही चिपचिपा होता है, इसलिए आप इसमें बराबर की मात्रा में नारियल तेल, जैतून तेल या बादाम का तेल मिलाकर लगा सकते हैं। इसे आप बालों की जड़ों में लगाकर 30 से 40 मिनट तक बालों को ऐसे ही छोड़ दें और फिर बालों को शैम्पू से धो लें। इसमें आप कई अन्य तेल जैसे लेवेंडर, पेपरमिंट, नीलगिरी आदि भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें 2 छोटे चम्मच शहद को मिलाकर भी बालों में लगा सकती हैं। इससे भी आपके बालों को काफ़ी लाभ मिलेगा। पांचवा उपाय, बाल बढ़ाने का तरीका चावल पानी के द्वारा। इसके लिए दोस्तों आपको 1/2 कप चावल और साफ पानी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 15 से 20 मिनट के लिए चावल को पानी में भिगोकर रख लें और फिर चावल के पानी को छान लें।
इसके बाद चावल के पानी से अपने बालों और बालों की जड़ों में मालिश करें। मालिश खत्म करने के थोड़ी देर बाद शैम्पू से अपने बालों को धो लें। चाहे तो बालों पर माड का पानी भी ठंडा कर उपयोग कर सकते हैं। बालों के लिए चावल के पानी के उपयोग की बात करें तो इस बारे में वैज्ञानिक प्रमाण की कमी नहीं है कि कैसे चावल का पानी बालों के विकास में मदद कर सकता है। कहा जाता है कि किसी गांव में एक कबीला है जो बरसों से चावल के पानी का उपयोग बालों पर करते आ रहा है। बालों को लेकर यहाँ की महिलाओं ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया है। आपको बता दें कि अनुभव के आधार पर चावल के पानी को बालों के लिए उपयोगी माना जा सकता है, इसलिए बालों को कैसे बढ़ाएं का जवाब चावल के पानी में छुपा है।